क्या अनुपमा देगी अनुज का साथ? क्या इस बार भी अनुपमा अनुज पे अपना विश्वास दिखाएगी? क्या है पूरी डिटेल जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल गपशप्तों को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दरअसल अनुपमा सीरियल का आज का एपिसोड काफी पेनफुल था। हमने देखा कि किस तरह से अनुपमा समर के डेड बॉडी को अपने सीने से लगाए रखती है, उसे रक्षा धागा भी बांधती है और कहती है कि अनुपमा और समर का रिश्ता सिर्फ ये एक जन्म का नहीं बल्कि आने वाले हर जन्म के लिए है। अनुपमा समर के डेड बॉडी से बहुत सारी बातें करती और ये कहती है कि समर हर जन्म में अनुपमा का ही बेटा होगा और अनुपमा को समर पे फक्र है। आपको बता दे कि फिर बाद में अनुज सभी से कहता है कि समर के ऑर्गेन डोनेट करने होंगे। पहले तो सब मना करते हैं, खास करके बा और बापूजी, और फिर बाद में डिम्पी के कहने पे अनुपमा भी कन्विंस हो जाती है और पूरा परिवार भी कन्विंस हो जाता है। डिम्पी का कहना है कि अगर समर इस दुनिया में नहीं है तो समर का ऑर्गेन देके हम किसी को बचा सकते हैं, जिसके बाद ये मतलब एहसास होगा कि समर की बॉडी के पार्ट जो है इस दुनिया में ही है, समर के होने का एहसास होगा, तो सब मान जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि अचानक से वनराज उठते हैं और अनुज का कॉलर पकड़ के उन्हें दोषी ठहराते हैं। वनराज जो है बहुत ही चालाकी से मौके का फायदा उठाते हुए समर के मौत की पूरी जिम्मेदारी अनुज पे ठहरा दिया, यानी कि वो अनुज को विलन बना दिया। अब अनुपमा क्या करने वाली है? हालांकि हम तो देखते आए हैं कि अनुपमा पहले से काफी ज्यादा परेशान है अपने बेटे के मौत को लेकर, और अब वनराज का ये नया चाल। वनराज तो शुरू से ही अनुपमा और अनुज के रिश्ते को तोड़ना चाहते थे और अब ऐसे में इस स्थिति में आकर वनराज ऐसी बातें कह रहे हैं कि अनुज की वजह से ही ये सब हुआ है, अनुज की वजह से ही समर की मौत हुई है। अगर अनुज उस गुंडे से लड़ाई नहीं करता तो समर बीच में नहीं आता और समर अनुज को बचाने के लिए वो गोली नहीं खाता, क्योंकि ये तो हम सब जानते हैं कि गुंडा जो है वो समर पे नहीं बल्कि अनुज पे गोली चला रहा था और अनुज को बचाने के लिए समर बीच में आ जाते हैं। यानी कि सीधी बात कहूँ तो समर ने अनुज को की लाइफ को बचाकर खुद के जान को कुर्बान किया, यानी कि उन्होंने अपने माँ का सुहाग बचाया है और अपनी जान दे दी है। तो अब अनुपमा क्या रिएक्ट करेगी? क्या अनुपमा अनुज पे विश्वास करेगी? क्या अनुपमा अनुज का साथ देगी या फिर वो वनराज की बातों में आकर अनुज और अनुपमा का रिश्ता तोड़ देगी? वेल, खबर तो ये आ रहा है कि अनुज और अनुपमा का रिश्ता टूट जाता है। अनुज कपाड़िया मेंशन छोड़कर शाम हाउस शिफ्ट हो जाती है, जिसके बाद से अनुज जो है वो साइड हो जाएंगे, वनराज और अनुपमा फिर से पहले की तरह एज अ मेन लीड में आ जाएंगे, यानी कि कहानी जहां से शुरू हुई थी वही आ जाएगी। अब देखते हैं कि क्या होता है। वेल, आपको क्या लगता है, क्या इस बार भी अनुपमा को अनुज पे भरोसा करना चाहिए या फिर नहीं? वैसे आपको क्या लगता है, क्या सचमुच अनुज की वजह से समर की जान गई है? कमेंट में हमें फटाफट से बताएं और भी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल गपशप्तों।